हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू स्पेस टीआरसी टेक। तो आज हम आपको बताएंगे एचपी का मदरबोर्ड जो कि नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में होता है तो उसको कैसे रिपेयर करें। सबसे पहले देखिए, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो ये दो मदरबोर्ड हैं, ये सेम ही कॉन्फ़िगरेशन के मदरबोर्ड हैं और ये वो मदरबोर्ड है जो अखिलेश सरकार ने स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दिए थे। ठीक है, तो ये मोस्टली सभी के पास होने चाहिए, स्टूडेंटों के पास। और ये स्पेशली वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास ये लैपटॉप है और जो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यदि आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपका लैपटॉप वर्क करते हुए या पढ़ते हुए डेड हो जाता है और नॉट ऑन नहीं होता है, नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में चला जाता है, तो आप क्या करें। सबसे पहले आप देखिए, ये वाले जो मॉडल हैं ये G4 की सीरीज में आते हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये HP का लैपटॉप है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस पे डेल का ऊपर जो लेमिनेशन वाला जो होता है वो स्टिकर लगाया हुआ है। ठीक है, और आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए, ये HP का ही लैपटॉप है। ठीक है, बस उस पर जो लैमिनेट कर लेते हैं ना, तो स्टिकर उस टाइप का लगा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ हिंट बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आप मदरबोर्ड को लैपटॉप से डिसेंबल कर लें, ज़्यादा कोई इतना बड़ा काम है नहीं, आप स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं टूल्स और आप वन बाय वन स्क्रू खोल सकते हैं। ठीक है, और इस तरह मदरबोर्ड को आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। यदि आपका चार्जर है आपके पास और आपने लैपटॉप से वो कनेक्ट किया है, इस तरह कंडीशन आप देखेंगे, और ये जो LED है इसमें, ये देखिए जो LED है ये ग्लो हो रही है, बट आपका जो मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूँ, केवल एक IC का फॉल्ट होता है, उसको आप ड्राई करके भी चला सकते हैं। ड्राई करने के लिए आपको ऐसी SMD का यूज करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि हॉट गन होती है। नॉर्मल आप इसको बेसिक यूज के लिए भी अपने इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं। ठीक है, तो छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इससे भी रिपेयर कर सकते हैं। तो वो IC दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन सी IC होती है और क्या काम होता है उसका। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कनेक्टर के पास, ये जो आपका कनेक्टर दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, ये पहली जो IC है ये IC की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं, आप अच्छे से क्लीन करके या तो आप आइसोप्रोपाइल इस तरह का लिक्विड यूज कर सकते हैं, या आप पेट्रोल से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करके आप हल्का सा ड्राई करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। 1% यदि आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो आपको ये IC रिप्लेस करनी होती है। आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, 300-400 रुपये की मिल जाएगी, और नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो बस यही प्रॉब्लम होती है। बट सबसे पहले ध्यान रखें, आपका ये जो LED है ये ग्लो होनी चाहिए, उस कंडीशन में ये IC ख़राब होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसे टेक्निकल फॉल्ट के साथ। धन्यवाद।